हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं रेल न्यूज। दोस्तों, आज की पहली खबर इंडियन रेलवे के द्वारा शुरू किए जाने वाले ऑनलाइन सिस्टम मेकिंग ट्रेन ऑक्यूपेंसी डाटा पब्लिक को लेकर है। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने यात्रियों की परेशानी को देखते हुए अब रेलवे के रिजर्वेशन सिस्टम को फ्लाइट बुकिंग के जैसे करने जा रहे हैं, जिसके तहत जो है यात्रियों को किसी भी सीट या बर्थ की लाइव स्टेटस पर देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर कोई पैसेंजर कहां पर उतरता है, अब यह कोई भी यात्री जान सकेंगे। इससे पहले होता क्या था कि टीटी जो है ट्रेन में उसकी चेकिंग करते थे, चेकिंग करने के बाद आरएसी या वेटिंग वाले को टिकट कंफर्म करते थे, लेकिन अब कोई भी यात्री ये जान सकेगा कि कौन यात्री कहाँ पे उतर रहा है, इसकी लाइव लोकेशन या लाइव स्थिति जो है उन्हें देखने को मिलेगी। जिससे जो है श्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इससे यात्रियों को अब टीटी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। दोस्तों, अगली खबर रायबरेली के मॉडर्न कोच फैक्ट्री से है, जहां पर वर्ष 2018 में इस फैक्ट्री ने 988 LHB कोच निर्माण किए हैं, जो कि अभी तक का सबसे अधिक निर्माण है। यह जो है पिछले वर्ष की तुलना में 135% अधिक है। पिछले वर्ष मात्र 420 कोच बनाए गए थे, लेकिन इस बार 988 बनाए गए हैं। वहाँ के महाप्रबंधक ने कहा है कि अगले साल और भी इसे ज़्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, अगली खबर पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर से है, जहां से यात्रियों के लंबे इंतजार के बाद छपरा से दुर्ग के बीच चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस के ICF कोच को बदलकर LHB किया जा रहा है। इस LHB कोच में 20 कोच रहेंगे, जिसमें फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर, जनरल, जनरेटर कार दिए गए हैं, जिसमें LHB की सारी सुविधाएँ यात्रियों को मिलेगी। दोस्तों, अगली खबर कालका शिमला सेक्शन को लेकर है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज को इंडियन रेलवे फ्री वाईफाई की सुविधा देने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यहां के 18 स्टेशन पर फ्री वाईफाई की सुविधा यात्रियों को मिलेगी। दोस्तों, साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा हावड़ा से मुंबई के बीच चलने वाली गीतांजलि एक्सप्रेस को 4 जनवरी से ICF रेक के बदले LHB कोच दिया जा रहा है। दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो वर्ष 2019 में बहुत सारे ICF रेक को बदलकर LHB किया जा रहा है। इसका मेन वजह है कि रायबरेली जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, वहां पर LHB का उत्पादन इस बार ज्यादा हुआ है। दोस्तों, इंडियन रेलवे ने गोरखपुर को लखनऊ के रास्ते सीतापुर से जोड़ने की तैयारी कर रही है, जहां पर गोरखपुर गोमती नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस को सीतापुर तक चलाया जाएगा, और साथ ही 9 जनवरी से इस रूट पर 3 और ट्रेनें दिए जाने हैं, जिससे कि सीतापुर के यात्रियों को बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिलेगी। दोस्तों, आज के रेल न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं कल और अच्छे अच्छे न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।